नमस्कार, सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा, और आज एक बेहद ही खास हम जो है चर्चा आप सभी के बीच लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मध्यम परिवार से संबंध रखते हैं, या फिर गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, या कभी बहुत से कार्य उन्होंने करने होते हैं, घर बनाना होता है, या फिर उन्होंने अपना कार्य करना है, खुद स्वयं का रोज़गार जो है वो शुरू करना है। तो तमाम ऐसे कार्य होते हैं जिसके बीच उनको आर्थिक तंगी की जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना काम कर सकें, वो घर बना सकें या अपना रोज़गार चला सकें। उसको पूरा करने के लिए वो लोग जो हैं वो कर्ज लेते हैं, लोन उठाते हैं, लेकिन उसके बाद उसी कर्ज के बोझ तले वो इतना दब जाते हैं कि मजबूरन जो है वो आत्महत्या जैसे जो है वो कहीं ना कहीं कदम उठाते हैं, या कुछ ऐसी अनहोनी जो है वो कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ये चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँ। आपको ज़रूर सबसे पहले जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये धार्मिक एकता ट्रस्ट की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे भारत देश में निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है वो जुलाई 2022 से शुरू किया था, और आज इस अभियान को इतना जो है वो कम वक्त, हम कह सकते हैं बहुत ही कम वक्त हुआ है कि इन्होंने लगभग 11 लाख से ज़्यादा जो है लोग इनके साथ इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं, और इस अभियान के साथ जुड़कर उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या ये अभियान है, वो तमाम जानकारी हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में हमारे साथ विनय शर्मा भारती जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कि हिमाचल प्रदेश प्रभारी हैं। सबसे पहले तो हम विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और जो पहल आपने की है कर्ज मुक्त भारत अभियान की, ये पहल आखिर है क्या? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अभियान को जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास किया, हमारा सहयोग किया। ये अभियान धार्मिक एकता ट्रस्ट की तरफ से हमारे गुरु श्री सहनबाज चौधरी भारतीय जी ने शुरू किया है, और इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ एक है, जो लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं उनको बचाने का काम बेसिकली सरकार का है। लेकिन जब सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही है तो हमें इस काम के लिए आगे आना पड़ रहा है। हम लोग जो लोग कर्जे से परेशान हैं, जिन्हें साहूकार, रिकवरी वाले, फाइनेंस वाले, बैंक वाले बार बार गाली गलौज बदतमीजी करते हैं, एक तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें राहत देने के लिए, उन्हें परेशान ना करें इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि उनके अधिकार क्या हैं। उन्हें कोई भी रिकवरी वाला गाली गलौज नहीं कर सकता, घर पर नहीं आके बैठ सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, और लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि लोग आत्महत्या जैसे घिनौने कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बचाना हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि लोग कर्जे के कारण परेशान ना हो। जो भी लोग कर्जे के कारण परेशान हैं वो लोग अभियान के साथ जुड़े। अभियान पूरी तरह से निशुल्क है, कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हम उनकी जानकारी लेते हैं और वो जानकारी हर महीने भारत सरकार को दे रहे हैं। सरकार से हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि जिस तर्ज पर सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ करती है, आपको भी पता होगा कि पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने जो संसद में बयान दिया है उन्होंने कहा है 14,56,000 करोड़ रुपया हमने अंडर राइट राइट ऑफ या बेवफ किया है, या आम जनता की भाषा में कहें तो कर्जा माफ़ किया है। और वही जानकारी जब आरबीआई से ली गई, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं गुजरात से, उन्होंने ली, तो आरबीआई ने जब ये आंकड़ा दिया तो वो आंकड़ा 25 लाख करोड़ के आसपास का है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है, 100-150 परिवारों का कर रही है, तो आम जनता जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर रही है उनका भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। जी बिल्कुल विनय जी, और आपको भी हम बता दें कि बहुत ही उम्दा एक कार्य जो कि सरकार का एक दायित्व होता है, लेकिन हम हर एक कार्य को सरकार पर जो है वो नहीं थोप सकते हैं, और ऐसे में कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बहुत से समाज हित के कार्य करती हैं, और इसी में ही एक जुड़ा है जो आप देख रहे हैं धार्मिक एकता ट्रस्ट के ये तमाम लोग जिन्होंने पूरे भारत देश में जो है वो निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है वो चलाया है। शिमला लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो इस अभियान को देख रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संदीप जी। संदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें जुड़ सकते हैं, किस तरीके से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।
इस अभियान में, यह अभियान पूरे देश में चल रहा है और निःशुल्क चल रहा है। अभी 8 अगस्त 2023 को दिल्ली रामलीला मैदान में हमने प्रोटेस्ट हमारा हुआ था, उस टाइम हमारे साथ लगभग 6 लाख लोग जुड़े थे। आज ये आंकड़ा 11.5 लाख तक पहुँच चुका है। हम इस अभियान में बिल्कुल धन मन तन से काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग, दबे कुचले, जिनकी कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा है, उनकी आवाज़ को सरकार तक हम यह संस्था पहुंचाने का काम कर रही है। इस अभियान में किसी भी प्रकार का, किसी का लोन है, साहूकार का लोन है, NBFC का है, प्राइवेट फाइनेंसर है, किसी बैंक का है, सभी लोग जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को संस्था के माध्यम से सरकार तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना कर्जा छुपाते हैं, बताते नहीं है, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इस अभियान से जुड़ के उन्हें एक ऊर्जा मिलती है और उन्हें अपने अधिकारों का पता चल रहा है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है, तो गरीब जनता का कर्ज क्यों माफ नहीं हो सकता, यही हमारी सरकार से मांग है। और हमारे सर जो इस अभियान को चला रहे हैं, श्री शहनवाज चौधरी भारतीय जी, पूरे देश में उन्होंने अभियान को चलाया है। उन्होंने वादा किया है कि किसी भी स्तर पे जाना पड़े, जनता का कर्जा सरकार को माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए आने वाले समय में जनहित याचिका लगाने की भी तैयारी है और हमें इस समय जो एक समस्या आ रही है, लोग अपनी परेशानी बता नहीं रहे हैं, बताने से घबरा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और उसी लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक यह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि आप अभियान से जुड़िए। यह अभियान बिल्कुल निशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और हर प्रकार से मदद की जा रही है। जी संदीप जी, सवाल ये था कि किस तरीके से जुड़ सकते हैं आपके साथ लोग? ऑनलाइन आवेदन, हमारा निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान गूगल पे सर्च करें, सबसे पहला लिंक हमारा खुलता है, इसी संस्था का खुलता है, कर्ज मुक्त भारत अभियान, उस पे जो है अपनी जानकारी डाल सकते हैं। कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कितना कर्ज है और क्या एड्रेस है, वह जानकारी हमारी टीम दिल्ली में जो मैनेज कर रहे हैं उनके पास पहुंचती है और 1 तारीख से 7 तारीख तक सारी जानकारी इकट्ठी करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जा रही है। जी बिल्कुल विनय जी, अब आपसे एक सवाल ज़रूर पूछने का यहाँ पर जो है मतलब बन जाता है कि आखिर आपके साथ जुड़कर किस तरीके से जो है वो लोग विश्वास करें, क्या कोई प्रमाणिकता भी आप जो है वो लोगों को देते हैं, क्या कोई प्रमाण पत्र भी जो है वो आपके ट्रस्ट द्वारा लोगों को दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। एक्चुअली ऐसा है कि प्रमाण पत्र का जो हमने देने का काम शुरू किया, वो हमें आइडिया जो है, एक हमारे साथ अभियान में जुड़े थे लोग, वो उनका कोर्ट में केस चल रहा था, वो कोर्ट में गए, उन्होंने बताया कि मुझे समय चाहिए और मेरी स्थिति नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने सरकार से मांग की है कि मेरा सरकार कर्जा माफ़ करे, जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर रही है। तो वहाँ जज ने उन्हें पूछ लिया कि अगर आपने ऐसा कोई किया है, अभियान के साथ जुड़े हैं, तो आपके पास क्या प्रमाण है? तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो हमने वहाँ पे फाइल नंबर PMO में दिया है उनकी फाइल का, वो फाइल नंबर उनको नोट करके देते थे कि कोई पूछे दे दो। लेकिन जब उन्होंने वो पर्ची दिखाई, तो जज ने यही सवाल किया कि ये पर्ची तो कोई भी बना सकता है, हम कैसे मान लें? तो जिस भी संस्था से आपने आवेदन किया है उसका एक प्रमाण पत्र लाइए। तो हम आज पूरे देश में प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी लोग जो जुड़ते हैं, जिनका डाटा भारत सरकार को 1 से 7 तारीख के बीच दिया जाता है, वो डाटा देने के बाद 10 तारीख के बाद वो आदमी जिसने आवेदन किया है वो हमारे से प्रमाण पत्र ले सकता है। हिमाचल में प्रमाण पत्र देने का काम भी 2 बार हो चुका है, ऊना में हमारा केंद्र है वहाँ पर हुआ है और मंडी में कार्यक्रम हुआ है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और अभी हमें जो प्रमाण पत्र देने में दिक्कत आ रही है, हमारी टीम छोटी है और लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो अभी हम जिला स्तर पर टीम बनाने का काम कर रहे हैं और ताकि हर जिला में प्रमाण पत्र भी लोगों को दिया जा सके। ऐसे ही हमारे साथ अभियान में जुड़े लोग हैं, इनका केस है और इनसे भी जज ने प्रमाण पत्र मांगा है, ये अपने बारे में बता सकते हैं कि क्या जज ने पूछा और जज ने इनसे किस तरह से प्रमाण पत्र मांगा। वो एक ऑथेंटिकेशन है जो प्रमाणित करता है कि आपका आवेदन सरकार के पास है, आप जब मर्जी सरकार से पूछ सकते हैं कि मेरा आवेदन यहाँ आया है या नहीं आया है, या पर्टिकुलर जो बैंक है, संस्था है, साहूकार है, वो पता कर सकता है कि
पर्सन ने आवेदन किया है नहीं किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन विनय जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और अगर हम भारत देश की बात करें तो अक्सर जो है हम यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग आए दिन जो है वो आत्महत्या करते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने लोन लिया होता है और उनके पास इतना ना पैसा होता है ना इतना सामर्थ्य होता है कि वो उस पैसे को जो है वो उस लोन को जो है चुका सके। अगर हम आपकी संस्था की बात करें तो एक साल से लगभग जो है वो आपकी संस्था काम कर रही है। बिल्कुल जानना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरीके की मानसिकता बना ली होगी कि हमने जो है वो अब जो है वो रास्ता ही जो है वो अपना लेना है कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो आज आपकी जो ट्रस्ट है उसने उन लोगों को जोड़ करके इन सब चीज़ों से उनका दिमाग, उनका जो मानसिक जो तनाव है उसको दूर किया होगा। मैम, मैंने जैसे कि बताया कि हम निःशुल्क अभियान चला रहे हैं और हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं, लोग बहुत कम हैं और देश बहुत बड़ा है, हर ऐसे परेशान लोग तक हमारी जानकारी नहीं पहुंच रही है। ऐसे में मीडिया का भी दायित्व बनता है कि मीडिया जनता तक इस अभियान की जानकारी पहुंचाए, ताकि हर दिन, आज भी हमारे साथ 11.5 लाख लोग जुड़ने के बावजूद हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग आत्महत्या न करें, और अभी तक ऑन कैमरा बताने वाले 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनका कहना है कि हम लोग अभियान से जुड़े हैं तो आज जिंदा है, नहीं तो आज हम जिंदा नहीं होते। और ऐसा ही केस हिमाचल का मैं बताऊं, बिलासपुर में हुआ। उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए पुलिस बल के साथ बैंक आया हुआ था, हमारे देश प्रदेश से पूरी टीम वहां पे गई और हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई उन पे धरना नहीं किया, हमने उनसे गुजारिश की कि इनको समय दो, ये देना चाहते हैं, इनका काम चल रहा है, आज काम खुला है, अगर आप इनकी मशीनियाँ ले जाएंगे ये परिवार को खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो प्रशासन ने समय दिया, ऐसा नहीं है, प्रशासन मान रहा है, लेकिन लोग भी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना कि जब उन पे लोग बेसिकली जागरूक भी नहीं है, तो बैंक को कब आते हैं, हमारे पास कब आते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बैंक जब नोटिस देता है। हम उनको इस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि बैंक से भागिए मत, ये समस्या है, समस्या से जितना भागेंगे उतना परेशान रहेंगे, तो समस्या का सामना करिए, तो लोगों को राहत मिल रही है ऐसे में। जी बिल्कुल, अब एक ऐसे ही पीड़ित से हम लोग बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे जिन्होंने लोन तो ले लिया, और लोन इसलिए लिया कि शायद वो अपना जो है वो रोजगार, अपनी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, लेकिन उसके बाद उस लोन को चुका नहीं पा रहे थे। और लगभग जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 3 बार जो है उन्होंने जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन अब फिलहाल वो हमारे साथ ही हैं, जो कि अभी हम मीडिया के माध्यम से भी उनको यही कहेंगे कि कभी भी इस तरीके का कदम आप जो है वो ना उठाएं, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। और बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि इस तरीके के कदम उठाने पड़े, और आज जब आप संस्था से जुड़े हैं तो किस तरीके का फ़ायदा आपको मिल रहा है? धन्यवाद। मेरा नाम पवन कुमार है। मैंने एक अपने काम के लिए एक गाड़ी फाइनेंस करवाई थी। फाइनेंस करवाने के बाद गाड़ी को उन्होंने अपने पास ही रखा, गाड़ी मुझे नहीं दी, और कुछ समय बाद जब मैं किस्तें देता रहा उसकी खड़ी गाड़ी की, कुछ समय बाद उन्होंने एक लेटर भेजा कि आपका जो पार्किंग चार्ज है वो बढ़ गया है, आपको ये पे करना होगा। मैंने उनसे कहा, सर जब गाड़ी मेरे पास नहीं है, कुछ मेरे पास नहीं, तो मैं पार्किंग चार्ज कैसा दूँ, गाड़ी मुझे नहीं मिली है, मैं बगैर काम किए आपको पैसे दे रहा हूँ, गाड़ी आपके पास है तो मैं किस चीज़ का पे करूँ आपको। तो उसके बाद मेरी 2 या 3 किस्त ड्रॉप हो गई, तो उन्होंने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। तो लोगों को, उनके फाइनेंसर के लोग घर आने लगे, धमकी देने लगे कि आपको पैसा चुकाना है, नहीं तो हम आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी को कर लिया, तो गाड़ी उन्होंने सेल की 1,60,000 में, उसके बावजूद भी उन्होंने कोर्ट में केस लगाया, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस भेजते हैं कोर्ट से कि आपको पैसा भरना पड़ेगा, मतलब कि जितना 2.5 लाख का लोन था टोटल, वो बढ़ा के उन्होंने मेरे ख्याल 5 से 6 लाख बना दिया इस टाइम। तो अभी तक लॉकडाउन के दौरान हमारी नौकरियाँ चली गई, हम प्राइवेट जॉब करते थे तो जॉब चली गई, मैं हैंडीकैप हूँ, वैसे भी मैं काम नहीं कर सकता, अभी वैसे भी कोई जॉब मिल नहीं रही है, कहीं भी जाते हैं तो हालात देख के कोई जॉब नहीं देता है। तो फाइनेंसर घर आते हैं तो बोलते हैं आप किस्तें भरो, तो मैंने उनसे ही कहा था कि आप थोड़ा टाइम रुको या समय दो हमें, हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं मानते, नोटिस भेजते हैं। उसके बाद भी नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे तंग किया, तो जिससे मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था। तो उसके बाद 8 अगस्त को जब मैं दिल्ली गया,
कर्जा मुक्त अभियान में, तो वहाँ जाके मुझे एक प्रेरणा मिली कि मेरे जैसे लाखों लोग यहाँ पे हैं जिनकी जिंदगी कर्जा मुक्त अभियान के द्वारा बची है, जिसमें एक मैं भी हूँ। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आत्महत्या ना करें, अभियान के साथ चलें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी सीख शायद इन्होंने भी ले ली है और औरों को भी ये प्रेरणा दे रहे हैं, औरों को भी जो है ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो आप लोन चुका भी सकते हैं। आप ये जो ट्रस्ट है इसके साथ जुड़िए, इनका जो अभियान है उसके साथ जुड़िए। और जिस तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, अगर मान लीजिए आपने 3 लाख रुपये जो है वो लोन लिया है लेकिन उसका आपको जो इंटरेस्ट पड़ता है वो कम से कम आपको उसके 5 लाख 7 लाख भी जो है वो देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में भी कई तरह के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं जिनकी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, वो जानकारी भी आपको जो है वो ट्रस्ट द्वारा साझा करवाई जा रही है। तो समय समय पर ये जानकारी आप जो है इनसे ले सकते हैं। इनके नंबर जो है आपको यहाँ पर विनय भारती जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, और जो जानकारी आपको ये जो कर्ज मुक्त अभियान के लिए लेनी है वो भी हम चाहेंगे कि विनय जी आप हमारे दर्शकों के साथ, अंतिम सवाल है ये, इसको साझा करें। बिल्कुल, जो भी लोग परेशान हैं कर्जे के कारण, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको घबराने की, परेशान होने की और कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे अभियान के साथ जुड़िए, आप गूगल पे जाके सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, और वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आवेदन करिए अपना, आपकी जानकारी हमारे पास आएगी। इसके अलावा हमारी हर ज़िला में टीम है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9805235660, इस पर भी आप कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करेंगे, अगर कॉल नहीं उठती है क्योंकि पूरे प्रदेश से बहुत से कॉल आते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 8427986010, उस पर जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्म का लिंक उनको मिल जाएगा, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और जिनको ज़्यादा परेशानी है वो डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये वो जानकारी है जब आप सभी लोग अपने किसी भी कारणवश, जो कि मैंने पहले भी कहा कि आर्थिक तंगी के कारण, या फिर आपने अपना रोजगार चलाना है, या फिर आपने अपना घर बनाना है, आपने कुछ भी आपने कार्य करना है, तो उसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मध्य वर्ग से संबंधित रखते हैं या गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में उन्हें ज़रूरत होती है पैसों की, लोन की, ऋण की, और वो ऋण ले लेते हैं लेकिन उसको चुका कैसे, उसे कैसे चुकाना है, उस पर बहुत सारी जो है वो दुविधा हो जाती है, मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि आत्महत्या जैसे कदम जो है वो उठाते हैं। तो भाई सीडी चैनल के माध्यम से हम तो आपको यही कहेंगे कि जीवन एक बार मिलता है, तो इस जीवन को आप अच्छे से जिए। अगर आपने लोन लिया है तो लोन को भी आप किस तरीके से चुका सकते हैं उसकी पूर्णतः जानकारी आप जो है वो हासिल कर लें, और लोन लेने से पहले भी जानकारी हासिल कर लें कि आपने जितना लोन लिया है आप उसको किस तरीके से चुका सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपने आज जो है वो सिटी चैनल के माध्यम से हासिल की है। तो ऐसे ही सिटी चैनल के साथ जुड़े रहें, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।